बांदा में रियायसी मकान पर लगी अचानक आग से लाखों का हुआ नुकसान। बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आहार में अचानक आग लगने से बारेलाल पुत्र गयादीन प्रजापति के रियायसी मकान में लगभग 12:30 बजे दोपहर को अचानक आग लग जाने से रहायसी मकान सहित घर गृहसी का सारा सामान, कपड़ा, जेवरात, बर्तन सहित पूरी सामग्री जलकर खाक हो गई, जिनका लगभग 6 लाख रुपए से ज्यादा नुकसान बताया गया, जिससे खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं बचा। ज्ञान देवी, लड़की, शादी के जेवरात आदि सब जल गए। वही परिवार के लोग खेतों में काम कर रहे थे कि तभी सूचना मिलने पर घर आए। इसके अलावा चपेट में आए शिव शंकर पुत्र सुदामा प्रसाद का मकान, खपरल, बांस, बल्ली, अन्य सामान जलकर लगभग 50,000 का नुकसान होना बताया गया। वही सूचना पर तहसीलदार विपिन कुमार पहुंचे और निरीक्षण किया, पूरा मकान जल गया था। गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड जब आई तब तक आग बुझ गई थी। लेखपाल ने भी मौके पर पहुंचकर नुकसान का मुआयना किया व रिपोर्ट तहसीलदार को सौंपी। वही आग की सूचना मिलने पर बसपा नेता अरुण पटेल ने भी पहुंचकर परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की। वह SS नोमानी गांव पहुंचकर अग्निपीड़ित परिवार से मिले सहायता दिलाए जाने का भरोसा दिलाया। हैं और आपका नाम क्या है? जी, मैं AS नोमानी समाज सेवी हूँ। ये ग्राम आहार तहसील बबेरू है। अभी कुछ देर पहले ग्राम आहार में एक भीषण आग लग गई थी। आग लगने की वजह से तमाम के तमाम जितने भी इस गांव के बाशिंदे सभी लोग इस घर की ओर भागे, और जब तक ये लोग गांव के लोग जब तक इस घर की ओर भागे तब तक पूरा घर जल के राख हो चुका था। और घर के जितने भी लोग थे सभी लोग अभी खेती किसानी के टाइम में सभी लोग अपने खेत में अपनी खेती किसानी का काम कर रहे थे, लेकिन जैसे हमें पता चला हमने प्रशासन को फौरन मैंने अवगत कराया, जिसमें SDMO और तहसीलदार महोदय सभी लोग यहाँ आए, पुलिस प्रशासन भी आया है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बहुत ही मेहनत और मशक्कत के साथ इन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन अब तक पूरे तौर पर आग बुझ चुकी है। लेकिन घर के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें थी वो जल के पूरे तौर पर राख हो चुका है। न तो खाने के लिए कोई भी चीज़ बची है और न ही पहनने के लिए कोई भी कपड़ा बचा। यहाँ तक कि जो भी लोटे और अर्तन बर्तन जो भी तमाम चीज़ें थी सब की सब बिल्कुल जल के राख हो चुका है। इस पीड़ित परिवार के पास अभी कुछ भी न तो खाने को, न पीने को, न रहने को, न पहनने को, कुछ भी इनके पास नहीं है। प्रशासन ने अभी इनको 25 किलो चावल, 25 किलो गेहूँ देने की बात कही है और इन्होंने कहा कि हम रहने की भी पूरी व्यवस्था करेंगे। इन्होंने कहा कि अभी हम टीना उन्हें लगा करके इस पीड़ित परिवार के रहने की पूरी व्यवस्था की जाएगी और जहां तक होगी हम लोग पूरे तौर पर मदद करने की इनकी कोशिश करेंगे। लगभग कितने हजार का नुकसान हुआ? कम से कम 5 से 7 लाख रुपए का इनका पूरा नुकसान हुआ, इसलिए कि इनके घर में जितने भी सारी चीजें, जितने भी अल्ले गल्ले, कपड़े लत्ते, अर्तन बर्तन, जेवर जेवरात सब के सब पूरा जल कर राख हो चुका है। इनके पास अभी कुछ भी नहीं बचा है। अभी गाँव के लोगों ने इनके खाने के पूरा इंतजाम कर रहे हैं, सभी लोग इनके गाँव के लोग इनकी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें भी लगता है कि हम लोग जितना हो सकेंगे प्रशासन से और हम लोग खुद इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं AS नोमानी समाज सेवी बुंदेलखंड इंसाफसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम शिव शंकर पटेल। ये बताइए कौन सा गांव? आहार। ये आग लगने का कारण क्या? आग अमित प्रजापति के घर से लगी। ये बताइए कितने हजार का नुकसान हुआ? इसमें तो कई हजारों का नुकसान हो गया। आप पड़ोसी हैं ना उनके? पड़ोसी हैं तो मेरा भी घर जल गया। आपको कैसे जानकारी हुई कि आग लग गई? हम तो खेत में थे, मसूर उखाड़ रहे थे, बच्चों ने फोन किया गांव से, गांव वालों ने। अच्छा अच्छा तब हमें पता चला, हम वहां से भाग तो हुए। आपका भी नुकसान हुआ है? हमारा नुकसान सामने पड़ा। ये आग में काबू कैसे पाया गया? काबू अब कहते हैं लाइट से लगी है आग। नहीं, आग में काबू कैसे पाया? मशीन आई है, फोर्स आया है, गाँव पूरा आया है, पूरा गांव के सहयोग से मशीन भी आई है, तब आग काबू में आई। पूर्णतः आग बुझा चुकी है? आग बुझ चुकी है। जी हाँ, इनके खाने पीने का सामान सब कुछ जलकर राख जल हो गया? सब जल के राख हो गया। क्या नाम है आपका? शिव शंकर पटेल। कौन सा गांव है? आहार। आहार पटेल है। ये कौन सा गांव है? आहार। ये क्या हुआ है? यहाँ आग लगी है, किसी कारण बस आग लग गई है और उसको ग्रामीण वासी सब मिलकर अपना बुझाएं। इसके बाद टैंकर भी आ गया था, प्रशासन सब लोग मौके में पहुंचे और आग बुझी भी। आप सहयोग किए हैं क्या कुछ? हाँ, अब चूँकि उनके पास खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़े नहीं थे तो मैं 6,000 रुपये के सहयोग दिया हूँ कि कम से कम उनको खाने के लिए मौके पे 6,000 रुपये। आपका नाम क्या है? अरुण सिंह।